हेलो एवरीवन, की खबर अपनालोकर। आज मैं बनाऊंगी फिश, बेक फिश। ठीक है, दो फिश लिया है और ये कुछ मिर्ची ली है, सूखी मिर्ची है, गर्म पानी में भिगो के रखा है, और एक हरी मिर्ची भी लूँगी। इसका एक पेस्ट बना लूँगी, चिली पेस्ट। उसके साथ भुज जलुकिया है, ये ड्राई भुज जलुकिया भैया लेके आए थे नागालैंड में, जो होती है ना हॉर्नबिल फेस्टिवल, वहाँ से लेके आए थे। तो इसका एक चिली पेस्ट बना लेंगे हम। और जो फिश है उसको मैंने 3 साइज से कट किया है ताकि पेस्ट जो है बहुत ही अच्छे से मैं लगा सकूं और ये अच्छा सा एक बेक फिश मैं रेडी कर सकूं। तो इस तरह से आपको कट करना है। तो इस तरह से मेरी फिश रेडी है और अभी मैंने जो जो कट दिया था उसमें मैं ये पेस्ट लगा रही हूँ। तो ये पेस्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने लिस्ट में भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेंशन किया है। इसमें मैंने डाला है चिली पेस्ट जो मैंने बनाया है भुज जलुकिया और ड्राई चिली से, लिटिल बिट ऑफ हल्दी, नमक जो आप स्वाद अनुसार दीजिए, गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट दिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर दिया है, 2 चम्मच मैंने ड्राई रोस्टेड बेसन का पाउडर दिया है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे मैंने फिश को बेक किया है और जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया है वो है कासुंदी। कासुंदी होती है एक बंगाली वैरायटी ऑफ मस्टर्ड सॉस या फिर डिप बोल सकते हैं। इससे कभी मैंने फिश बेक नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छा फिश बन सकता है। तो मैंने जब ट्राई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी ट्राई कीजिए, कासुंदी को यूज़ कर सकते हैं बेक करने में या फिर ऐसे भी करी भी बना सकते हैं। तो अंदर में दो दो मैंने नींबू के पत्ते को डाला है जो बेक होने के बाद बहुत ही अच्छी एक एरोमा देती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फिश में। तो इस तरह से अंदर से बाहर से और सभी तरह से सभी साइड से मैंने फिश में जो पेस्ट है वो लगाया है और 180 डिग्री में मैंने 10 मिनट इसको बेक किया है, फिर उल्टा करके फिर मैंने 7-8 मिनट इसे बेक किया है। आप उसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो 5 मिनट ग्रिल भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। टाटा बाबा।